हेलो एस्पिरेंट्स, अभी एक इंडेक्स लॉन्च हुआ है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता का इंडेक्स। और इस इंडेक्स में इंडिया के बारे में क्या आया है और इसके जो वेरियस एस्पेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लेसन एक्सप्लेन किया गया है मेरे द्वारा और मेरा नाम है कुमार जतिन। गाइज, पहली जो चीज है वो इंडिया की रैंकिंग है कि भाई इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। 186 कंट्रीज की टोटल रैंकिंग तैयार हुई है, जिसमें से इंडिया की रैंकिंग है 130। 130वीं रैंकिंग इंडिया को मिली है 186 कंट्रीज में से। और ये जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम होता है, ये इकोनॉमिक फ्रीडम का स्तर मेजर करता है कि हमारे देश में कितनी आर्थिक स्वतंत्रता है, ये मेजर करता है। और इंडिया ने स्कोर है जो इंडिया का वो 54.5, 54.5 अंक प्राप्त किए हैं। पिछली बार इंडिया की रैंक थी 143वीं और अब की बार उसने जंप किया है 13 प्लेसेस का, 130वीं रैंक पर आया है। पिछली बार हमारा स्कोर था 52.6, अब की बार हमारा स्कोर है 54.5। इसे रिलीज किया जाता है यूएस के टॉप थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, 130वीं रैंकिंग है, और दूसरी चीज ये कि इसे लॉन्च किया, इसे रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, वो है यूएस का एक थिंक टैंक जिसका नाम है दी हेरिटेज फाउंडेशन। आगे इसमें ये जो रैंकिंग तैयार की जाती है, इसमें 0 से लेकर 100 तक, 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है। तो जिस प्रकार से इंडिया का जो स्कोर है 54.5 है, उसी प्रकार से इसमें 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है। ठीक है, 0 अगर किसी का स्कोर है तो वो लीस्ट फ्री है, मतलब सबसे कम इसके इसके पास इकोनॉमिक फ्रीडम है। और अगर किसी का स्कोर 100 है तो उसके पास जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा है, वो मोस्ट फ्री स्टेट है। ये जो है, ये इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इन 4-5 इंस्टीट्यूशंस के ये आंकड़े इकट्ठा करता है, आंकड़े यूज करता है और अपने जो इंडेक्स है वो बनाता है। गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूछा जा सकता है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में किस किस संस्था के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, किन किन संस्थाओं के स्टेटिस्टिक्स जो है वो यूज करता है। तो ये 4 संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हुई और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हुआ। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जो भाई ये इंडेक्स बनता है, ये किस किस फैक्टर्स पर बनता है, कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, किन बेस पर ये स्कोर तैयार किया जाता है। पहली बात है इसमें प्रॉपर्टी राइट। इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स बन रहा है तो प्रॉपर्टी राइट का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी रखने के कितने राइट है, आपकी गवर्नमेंट इंटीग्रिटी कितनी है, आपके ऊपर टैक्स का बर्डन कितना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिंपली इसको बस पढ़ना है, इसको कौन कौन से इसमें जो फैक्टर है वो है। जुडिशियरी जो है आपकी वो कितनी इफेक्टिव है, आपकी गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, फिजल हेल्थ कितना है, अपना अपना आपका जो राजकोषीय खाता है वो कैसा है, वो घाटे में है या सही ठीक ठाक चल रहा है। बिजनेस की फ्रीडम है, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कितनी फ्रीडम है। मॉनेटरी की फ्रीडम है, आपको आप मॉनेटरी रखना चाहते हैं, आप पैसा रखना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी फ्रीडम कितनी है। लेबर फ्रीडम, जो काम करते हैं मजदूर लोग हैं उनको कितनी फ्रीडम है। ट्रेड फ्रीडम, आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो आपको कितनी फ्रीडम है। इन्वेस्टमेंट फ्रीडम, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए कितनी स्वतंत्रता है। दूसरी चीज है फिनेंशियल फ्रीडम, मतलब आप आपके पास पैसे की कितनी स्वतंत्रता है, फाइनेंस रखने की कितनी स्वतंत्रता है, उसे इन्वेस्ट करने की कितनी स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें, ये जो फैक्टर्स हैं, ये कैलकुलेट किए जाते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें याद नहीं रखना, आप सिंपली इसको एक बार फेर सकते हैं, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं बस। अगली जो चीज है वो कंट्री जो है, 5 ग्रुप जो है उनकी 5 कैटेगरीज बनाई गई है। को मालूम है जैसे 0 से 100 तक के इसमें स्कोर दिए जाते हैं, तो 0 से 49 तक का स्कोर अगर किसी का है, 49.9 का, तो वो रिप्रेस्ड क्लास में होता है।
आपको ये भी याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखो कि भाई 0 से 100 तक का स्कोर में होता है, ठीक है। 50.0 से 59.9 तक है तो मोस्टली अनफ्री होते हैं वो, 60.0 से 69.9 तक है तो मॉडरेटली फ्री की कैटेगरी में आते हैं, 70.0 से 79.9 तक है तो मोस्टली फ्री कैटेगरी में आते हैं, और 80 से 100 तक के है उनका स्कोर तो फ्री कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये बिल्कुल फ्री है। तो वहाँ जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो टॉप 10 कंट्रीज देख लेते हैं हम इसमें, कि भाई टॉप 10 कंट्रीज जो रैंकिंग मिली है उसमें टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा रैंकिंग जो है हांगकॉन्ग की है, उसके बाद सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूएई। आप सिंपली देख सकते हैं ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनकी रैंकिंग अच्छी है, लेकिन यूरोपियन के साथ साथ कई एशिया के कंट्रीज भी, ऑस्ट्रेलिया भी है। और इंडिया के नेबर्स का हम स्थान देख लेते हैं, भूटान का 87 स्टेज है, भूटान इंडिया से आगे है, श्रीलंका भी इंडिया से आगे है, बांग्लादेश भी इंडिया से आगे है, पाकिस्तान इंडिया के ठीक ठीक बाद है 131वें, नेपाल 133वें स्थान पर है, चाइना का स्कोर है 57.4 और इसकी रैंक है 111, और इसकी जो पिछली रैंकिंग थी वो 112 थी। एंड ब्रिक्स देशों की बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका का 77वां स्थान है, रसिया का 107वां स्थान है, और चाइना का 111, भारत का 130वां स्थान है, और ब्राजील का 153। मतलब केवल ब्राजील में इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो भारत से कम है, और अन्य कंट्रीज में भारत से ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम है। आगे देख लेते हैं, तो जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है मेजर अंडरटेकन इन इंडिया, देखो हुआ ये था कि भाई जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेजर लिए गए थे इंडिया में, जैसे कि इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन किए गए, प्राइवेटाइजेशन किया गया, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का कंट्रोल घटाए गए फॉरेन ट्रेड पर, इन्वेस्टमेंट पर 1990s में, तो उससे एक्सीलरेट हुआ है हमारी ग्रोथ, हमारी जो वृद्धि है वो बढ़ी है थोड़ी सी, क्योंकि भाई हमने 1990s में जैसे एलपीजी पॉलिसी अपनाई, या फिर हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और हमने अपना अपनी जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोली, तो उससे हमारा ग्रोथ बढ़ा है। लेकिन अब ये हो रहा है कि हमारे करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलप्ड है, और जो हमारी रेगुलेटरी सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसके कारण जो हमारे डेवलपमेंट हो रहा है उसमें थोड़ा सा उनकी ग्रोथ जो है कम हो रही है और उसमें गिरावट आ रही है, ठीक है। तो ये सब था इस इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में, जो कि लॉन्च डिलीवर किया जाता है एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा, और इसमें भारत की रैंकिंग है 130, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में गाइस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले किसी इंडेक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, एंड अगर ये लेसन आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसके बारे में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।